क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिज़ाइनर कुर्तीस के पैटर्न बताऊंगी, जिससे कि अगली बार जब भी आप अपनी कुर्ती को डिज़ाइन करना चाहें या अपने टेलर को कपड़ा देना चाहें तो आप इन सारे डिज़ाइंस को भी एक बार ज़रूर नज़र में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड, मुझे ये रिक्वेस्ट आई है कि मैं कुछ फ्लोरल प्रिंट की जो साड़ीज होती हैं उसे आप कैसे रीयूज करते हैं उसकी एक वीडियो बनाऊं, तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके सामने लाई हूँ। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी डेली वियर साड़ीज होती हैं जो फ्लोरल प्रिंट की होती हैं या नॉर्मल प्रिंटेड साड़ीज होती हैं, हमारी मम्मियों के पास भी होती है जो कि डेली वियर लाइट वेट की साड़ीज होती हैं। तो उन्हें आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका ये है कि आप उसे एक ड्रेस बनवा लें। ड्रेस से मेरा मतलब है कि जो फ्रॉक स्टाइल लॉन्ग स्टिच ड्रेसेस होती हैं, मैक्सी ड्रेसेस होती हैं, तो फ्लोरल प्रिंट के साथ ही इस तरह की ड्रेसेस बहुत ही प्रिटी दिखती हैं और आप इसे अपने टेलर से अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। आपको जिस तरह का नेक डिज़ाइन चाहिए, जितना आपको फ्लेयर चाहिए उतना उस हिसाब से आप इसे कस्टमाइज करवा के पहन सकते हैं। जो सेकंड तरीका है वो ये है कि आप एक जैजी प्लाजो पैंट बनवाएं। प्लाजो पैंट्स भी आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। आप इस तरह का अगर एक प्रिंटेड प्लाजो पैंट बनवाएं फ्लोरल साड़ी का, उसमें जिसमें बहुत सारा फ्लेयर हो, और उसमें अगर आप प्लेन जो कुर्ती यूज़ करें तो वो भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। जो थर्ड तरीका है वो ये है कि आप उससे धोती पैंट बनवाएं। धोती पैंट भी आजकल बहुत चलन में है और अगर आपके पास कुछ बहुत अच्छी प्रिंटेड साड़ीज़ है जिसे आप अब पहनना नहीं चाहते, आप बहुत फंक्शंस में पहन चुके हैं, तो आप उससे एक धोती पैंट भी बनवा सकते हैं। फोर्थ तरीका ये है कि आप उससे किमोनो जैकेट बना के देख सकते हैं। फ्लोरल प्रिंट में किमोनो जैकेट बहुत सूट करता है। ये भी एक तरीका है कि आप कुर्ती के साथ उसको पहनें। फिफ्थ ये तरीका है कि आप उसके साथ एक पैंट सूट का कॉम्बो ड्रेस बनाएं, क्योंकि ये एक देसी टच देगा आपके ड्रेसेस को, क्योंकि ये साड़ी से बना होगा और ये बहुत ही आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं जो ब्लेजर्स होते हैं, तो आपका जो टेलर है वो बहुत आसानी से इसे कर देगा। पर ध्यान रहे कि आपकी साड़ी का जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब वो मोटा होना चाहिए, तभी इससे ये इस तरह का पैंट सूट कॉम्बो बन सकता है। सिक्स्थ ये तरीका है कि आप उस तरह की स्कर्ट बना सकते हैं उसी तरह के जो फैब्रिक से, क्योंकि फ्लोरल प्रिंट के स्कर्ट्स बहुत चल रहे हैं आजकल, और इसके साथ आप प्लेन अगर शर्ट या प्लेन टॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप अंदर कैमिसॉल पहन भी सकते हैं इसके साथ, अगर आप फॉर्मल शर्ट पहन रहे हैं तो अंदर कैमिसॉल पहन के भी ये स्कर्ट वियर कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रोकेट स्टाइल की साड़ी है तो आप उससे भी ये बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत सुंदर दिखता है। सेवन्थ ये तरीका है कि आप सिंपल एक स्ट्रेट कुर्ती बनवा लें। जो ए लाइन नॉर्मल कुर्तीज़ होती हैं उससे तो आप बहुत ही बोर हो चुके होंगे पहन पहन के, तो आप इससे अगर इस तरह के कपड़े से अगर आप एक स्ट्रेट कट कुर्ती बनवाएं तो वो भी एक बहुत प्रिटी लुक देगा आपके पूरी पर्सनालिटी में। एथ तरीका ये है कि आप अनारकली बनवाएं। सबसे सिंपल ये तरीका होता है क्योंकि अनारकली में ये पूरा मैक्सिमम फैब्रिक 3 से 4 मीटर यूज़ हो ही जाता है जो साड़ी का होता है, और आजकल ये अनारकली चल रहे हैं बहुत, फ्लोर लेंथ अनारकली बहुत ट्रेंड में, तो आप उस साड़ी से अनारकली बनवा सकते हैं। नाइन्थ तरीका ये है कि आप उसे दुपट्टे की तरह यूज़ करें। जी हाँ, आजकल जो प्रिंटेड दुपट्टा चल रहा है वो साड़ी की ही प्रिंट रहती है मैक्सिमम, आपने गौर किया होगा तो अगर उस तरह का फ्लोरल साड़ी है आपके पास या आप इस तरह के कुछ ड्रेसेस बना के कुछ कपड़ा बचता है 2-2.5 मीटर, तो आप उससे दुपट्टा भी बना सकते हैं और उसे प्लेन अगर सिंपल वाइट या ऑफ वाइट कलर की कुर्ती के साथ आप ट्राई करें तो वो भी एक बहुत अच्छा पेयर बन जाता है। मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं कि प्रिंटेड कुर्ती के साथ, प्लेन कुर्ती के साथ प्रिंटेड दुपट्टा कैसे लेना है, तो वो उस तरह के दुपट्टे आप ट्राई कर सकते हैं। टेंथ ये तरीका है कि आप उससे पूरा का पूरा एक लहंगा बनवा लें। फुल फ्लैट जो लहंगा होता है उसमें पूरा आपकी साड़ी यूज़ हो जाएगी 5 मीटर की। बहुत ब्यूटीफुल दिखता है ये लहंगा, अंदर आपको अस्तर लगवाना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो वो कैन भी आप उसमें लगा सकते हैं अंदर, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा फ्लेयर भी आएगा
और पूरा आप अगर लहंगा यूज़ करें तो आपकी साड़ी भी वेस्ट नहीं जाएगी। इलेवेंथ ये तरीका है कि आप उससे जैकेट बना लें, क्योंकि प्रिंटेड जैकेट्स आजकल बहुत चल रहे हैं, तो अगर कुछ कपड़ा आपका साड़ी का बच जाता है तो आप उससे एक जैकेट भी बना सकते हैं, जिसको आप कुर्तीज के साथ पहन सकते हैं। वेस्ट तक के जो जैकेट्स होते हैं आजकल बहुत चल रहे हैं, आपने देखा होगा। तो आप अगर उससे कुर्ती जैकेट बनाएं और उसे प्लेन कुर्ती के साथ ट्राई करें, और उसी कपड़े अगर और कपड़ा बचता है तो उसी कपड़े से आप सलवार बना लें, तो वो भी एक बहुत अच्छा पेयर बन जाएगा कि आप सिंपल वाइट कलर की कुर्ती के साथ प्रिंटेड जैकेट और प्रिंटेड सलवार ट्राई करें। यह आपका एक रेडीमेड कॉम्बो बन सकता है। ट्वेल्थ ये तरीका है कि आप उससे कुछ शॉर्ट्स बना लें। प्रिंटेड शॉर्ट्स भी आजकल बहुत चल रहे हैं, तो अगर आपकी मम्मी के पास या आपके पास कुछ कॉटन की साड़ियाँ रखी हुई हैं जो फ्लोरल प्रिंट की हैं, तो आप उसके साथ भी ये ट्राई कर सकते हैं, लेकिन शिफॉन या जॉर्जेट के साथ ये बनना मुश्किल है। थर्टीन तरीका ये कि आप उससे कुछ एक्सेसरीज बना सकते हैं, क्योंकि साड़ी के कपड़े से भी बहुत अच्छे शूज़ और पर्सेस बन सकते हैं। तो आप एक ये भी है कि आप अपने टेलर से बोल के इस तरह का कुछ आइडिया लगाएं और ये बना लें। फोर्टीन्थ ये तरीका है कि आप उससे पिलो कवर्स बना लें, क्योंकि साड़ी से भी बहुत अच्छे पिलो कवर्स बनते हैं। अगर आपके पास सिल्क साड़ी है या फिर फ्लोरल प्रिंट की ही साड़ी है, तो उससे बहुत अच्छे पिलो कवर्स तैयार हो सकते हैं। फिफ्टीन लास्ट ये तरीका है कि आप उससे कर्टन्स बना लें, क्योंकि कर्टन्स भी हमारे घर में बहुत हमेशा ही ज़रूरत पड़ती रहती है, तो साड़ी के प्रिंट से कर्टन्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। कर्टन्स अगर आपकी विंडो के लिए अगर आप कर्टन्स बना रहे हैं, तो जो साड़ी का जो पल्लू होता है उससे अगर आप बनाएं तो वो बहुत अच्छा एक लुक आ जाता है। पल्लू का जो लुक आता है वो बहुत ही प्रिटी दिखता है घरों पे भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के कुछ टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी, तो एक बार ज़रूर इस तरह की एक्सपेरिमेंट अपने सूट या कुर्तीज के साथ ट्राई करें, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपका कैसा बना है। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्रिएशंस में, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अपने फैब्रिक को और अच्छा बनाने के लिए। अगर आप इसी तरह के और डिज़ाइंस या कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।